ये कह रहे हैं कि देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश अगर कोई भी कर रहा है तो उसका सुलूक यही होना चाहिए, कानून अपना काम करेगा और ये होना ही चाहिए, एक्शन होना चाहिए। लेकिन जो मौलाना है, मौलवी है या फिर जो हिंदू धर्म गुरु है, वो इस पूरे मामले को, इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देख रहे हैं वो भी सुनिए। कानपुर में मोहर्रम के जुलूस में सर तन से जुदा के नारे लगे, कहाँ है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार का इकबाल? क्यों नहीं अब तक उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है? क्यों नहीं उसके ऊपर बुलडोजर चलता है? तो सर से तन से जुदा कहने वाले लोग जो है वो लगातार इस घटनाओं की पुनरावृत्ति कर रहे हैं, कई जिलों में देश के इस तरीके के नारे लगाए, अब उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसका क्या उचित है? सर तन से जुदा करने का अमल तो यजीद ने किया था, तो इमाम हुसैन के अनुयायियों को इस तरह के नारे नहीं लगाना चाहिए जिससे समाज में ख़राब संदेश जाए। हम इमाम हुसैन के पैगाम को आम करने के लिए मुहर्रम मनाते हैं, न कि हम यजीद के पैगाम को आम करने के लिए मुहर्रम मना रहे हैं। तो मजहबी जुलूसों में इस तरह की नारेबाजी अफसोसनाक है, जिसको नहीं करना चाहिए और मैं इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। तो गलत मैसेज ना दिया जाए और कोई भी इसे एक्सेप्ट नहीं करता है, ना ही इसको सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और हम बात कर रहे हैं शहर शहर किस तरह का जल अटैक देखने को मिल रहा है, क्या बाढ़ बारिश जिस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है क्या वो सब कुछ उजाड़ देगी? देखने को मिल रहा है वो कौन कौन से शहर हैं? देश के करीब 9 राज्य ऐसे हैं जहां पर IMD का रेड अलर्ट जारी हुआ है। इसमें महाराष्ट्र है, इसमें गुजरात है, इसमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। उधर उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल की बात करें, सिक्किम हो, असम हो, यहां भी अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव देखा जा रहा है और दिल्ली में अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहां उत्तर प्रदेश, नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, उधर मेरठ, बागपत की बात करें तो यहां भी बारिश का अनुमान लगाया गया है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां की कई इलाकों में सड़कें पूरी तरह से जलमग्न है। कर्नाटक की बात करूं तो कर्नाटक के भी कई इलाकों में बारिश ने कहर बरपाया हुआ है, कोहराम वहां पर मचा हुआ है। उत्तराखंड में पहाड़ों पर तो आप देख ही रहे हैं, फिर चाहे उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल की बात करें कि किस तरह से वहां पर जो पहाड़ हैं वो दरक रहे हैं इस वजह से, और यहां उत्तराखंड में अगले 2 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के कई स्कूल हैं, कई जिले हैं जहां पर स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है और एहतियातन दरअसल ये तमाम जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहां पर सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाऊं गुजरात की, क्योंकि वहां से डराने वाली तस्वीरें सामने निकलकर इस वक्त आ रही है, जिस तरह से बाढ़ बारिश से वहां पर हाल बेहाल हो रहा है। आप देखिए कि किस तरह से नदियां जबरदस्त तरीके से उफान पर हैं, जो डैम्स हैं उनके गेट वहां पर खोलने पड़ रहे हैं, हर जगह से अमूमन इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। लेकिन ये गुजरात आप देख रहे हैं जहां पर आम जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो चुका है और वहां पर बारिश जो बाढ़ का पानी है वो लोगों के घरों तक घुस रहा है। जो निचले इलाके हैं खासतौर पर अगर बात करें तो वहां पर खासी दिक्कत हो रही है, जो तमाम लोग निचले इलाकों में रह रहे थे वो खाली करा लिए गए हैं, लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दिया गया है। लेकिन यहाँ देखिए किस तरह से, और इंसान तो इंसान बल्कि आप मवेशी देखिए, जानवर देखिए, वहां पर वो भी बेचारे परेशान हैं। अब इंसान खुद को बचाए या जो अपने जानवर हैं उनको बचाए, आखिर क्या करें? ये देखिए किस तरह की स्थिति यहाँ पर हो गई है, इंसान हो जानवर हो हर कोई कुदरत के इस कहर, और ये महाराष्ट्र की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि कुदरत के कहर के आगे हर कोई बेबस यहाँ पर नजर आ रहा है।
रेड अलर्ट जारी किया गया है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, येलो अलर्ट। और ये देखिए, ये हम आपको जो रेस्क्यू किया जा रहा है वहां से उनको, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगहों तक सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। पहाड़ों की भी बात कर लेते हैं, देखिए ये उत्तराखंड की देहरादून की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि वहां पर किस तरह से पहाड़ दरक रहे हैं, क्या स्थिति उस वक्त वहां पर हो गई है। जगह जगह पर भूस्खलन की जो तस्वीरें हैं वो निकल कर सामने आ रही है। लेकिन सिर्फ उत्तराखंड, गुजरात या महाराष्ट्र ही नहीं, असम का हाल भी बेहाल है। दिल्ली हो और बाकी इलाकों का क्या हाल है, बाकी शहरों का क्या हाल है, दिखा रहे हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। हाहाकारी बारिश ने पूरब से पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक कहर बरपाया हुआ है। कहीं सैलाब तो कहीं हाहाकार वाली स्थिति है। पहाड़ दरक रहे हैं, नदियां उफान पर हैं। देश भर के कई राज्यों में भारी बारिश के बाद बेहद बुरा हाल है। मुंबई, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश की वजह से जिंदगी थम सी गई है। उधर असम में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है और अब तक 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से हुए भूस्खलन के बाद कई जिलों का संपर्क अन्य जगहों से कट गया है। गुजरात का हाल भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जुलाई में मानसून का आफतकाल हर किसी को परेशान किए हुए है। मध्य प्रदेश में बादलों का विद्रोह नजर आ रहा है तो सूरत पानी पानी है। द्वारका में भारी बारिश से मकान गिर रहे हैं। कहीं पहाड़ तोड़ आफत है तो कहीं मुसीबत मूसलाधार। इंसान तो इंसान, जानवर भी परेशान हो रहे हैं। मानसून की डरावनी रफ्तार का कहर पश्चिमी गुजरात पर बरपा है। गुजरात के मांगरोन, गिर, तलाला, मालियाहटीना और जूनागढ़ समेत गिर सोमनाथ जिलों के आसपास के अन्य क्षेत्रों में बारिश ने भारी तबाही मचाई हुई है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भारी बारिश से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए जूनागढ़ और पास के ही गिर सोमनाथ जिले के कुछ हिस्सों का हवाई सर्वेक्षण किया, स्थिति का जायजा लिया। उधर उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ से कई जिलों में हाहाकार मचा हुआ है। लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क में पानी भर जाने से हाथियों से निगरानी की जा रही है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बरसात के चलते नेपाल की नदियों ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में कहर बरपाया हुआ है। हालत यह है कि बाढ़ का पानी हाईवे तक पहुंच गया। लखीमपुर पीलीभीत हाईवे पर नदी की तरह बहाव को देखते हुए प्रशासन ने आवागमन बंद कर दिया है। तो वहीं भारत नेपाल की सीमा से सटे दुधवा नेशनल पार्क के जंगलों में भी जल प्रलय नजर आने लगी है। कहीं सैलाब तो कहीं हाहाकार वाली स्थिति है। कहीं गाड़ियां बह गई हैं तो कहीं लोग, मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे पानी कोई बर्बादी की कहानी लिख रहा हो। क्या उत्तर प्रदेश, क्या बिहार, क्या कर्नाटक और क्या गुजरात, पहाड़ों का हाल तो पहले से ही बेहाल है। जहां देखो वहां बाढ़ बारिश ने आफत मचाई हुई है। कई राज्यों में बाढ़ का खतरा है तो कहीं बारिश से जल जमाव की दिक्कत। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।